इनका इनका जो है झूठ बोलने का इनको ट्रेनिंग मिलती है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिलती है, कहीं से कोई फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, ओबीसी बाहुल जिला बालाघाट है और जो किसानों के जो लड़के जो पढ़ाई करते हैं प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग की डीएड की बीएड की, उनको 22,000 छात्रवृत्ति मिलती थी, आज इन्होंने जो है 5,000 कर दी है, 5,000 कर दी है। जाति वृत्ति घटाती छात्रों की, और क्या युवा उम्मीद करें आप लोगों से, छात्रवृत्ति मिल रही है। दूसरी बात जातिवाद की जो बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये भ्रामक प्रचार कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में फैलाया जा रहा है। इस देश में इस जाति को इस जाति के लाओ, ये कांग्रेस का काम है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पक्का आप लोग जातिवादी राजनीति सोच लीजिए, नाम के साथ गिनाऊंगे एक एक नेता की बात करते हैं, की बात करते हैं और इस देश के अंदर हम पूरे 125 करोड़ जनता की, 125 करोड़ जनता की बात करते हैं। जरा पीछे जाने दीजिए, हटिए यहाँ से, पीछे वाले देख नहीं रहे, यहाँ से जगह दीजिए, यहाँ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आगे हैं। चलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जरा इसे एक सेकंड समाजवादी पार्टी पूछूंगे। एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे आपने कांग्रेस की विधायक के सामने खड़ा किया, ये पक्ष में है कि यहाँ पे हीना गावरे जी को आपने खड़ा किया है। अरे खड़ा तो कर लिया है, सवाल पूछ रहा हूँ। वन मंत्री रहे इनके पिताजी और यहाँ पे बास जो है एशिया का राष्ट्रीय, यानी जो बास है यहाँ पे एशिया में प्रसिद्ध बास है बालाघाट जिले में, बालाघाट में खुल रहा था उसको महाराष्ट्र में खुलवा दिया। दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे को दोष देके वो बोफोर्स की बात करते हैं, ये राफेल की बात करते हैं, किसी भी तरीके से सत्ता हत्या। आपकी बात तो ऐसे आ रही है, कॉलेज में हर साल 1,000 बच्चे उच्च शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अभी तक के नया डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया है, नया डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया। पूछिए एक एक सवाल है। मैडम यहाँ पर शिक्षा में अवकाश लगा हुआ है, पिछले 15 सालों से कोई विकास कार्य क्या रहे कि यहाँ के लोग जातिवाद देख। मैं प्रोफेसर अरविंद तिवारी हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ दोनों सरकार के नुमाइंदों से, बीजेपी और कांग्रेस, कि ये ब्राह्मणों के लिए इनके पास क्या व्यवस्था है। सारे दलित 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 करते, ब्राह्मणों के लिए क्या व्यवस्था है? अच्छा मतलब दलित दलित क्यों करते, ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों नहीं करते, बताइए सर क्या? आराम से बताइए। जहाँ पे 7 विधायक थे और 1 पार्षद अपने संसद से, कोई किसी को परवाह नहीं करता, इनको जाके देखना चाहिए कभी हमारे हॉस्पिटल में क्या दिक्कत जा रही, कभी कोई नहीं जाता। कौन नहीं जाता, बीजेपी वाले कांग्रेस हमारे सांसद सदस्य जाते हैं ना, विधायक जाते हैं, कोई नहीं जाता, मतलब बीजेपी वाले उसमें इनको क्या करना चाहिए, बीजेपी वाले की कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले कांग्रेस।
हर किसी के हाथ में नहीं जाते हाथ, चाहे वो दोनों दोनों एक ही तरह जाए, पीछे हो जाइए, जरा पीछे हो जाइए, अपनी अपनी जगह पर बैठिए, ये गलत बात है, पीछे हो जाइए। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिना का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीजेपी की ओर से योगेंद्र निर्मल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेंद्र जी का भी स्वागत कीजिए। सबसे पहले हिना कांबे जी आपके पास आते हुए, ये देखिए यहाँ पर जो जनता इस तरह बैठी हुई है उसका कहना है राहुल गांधी कितना भी गिनाए फायदा नहीं होने जा रहा है उनको। ये तो आने वाला समय ही बताएगा 2018 का चुनाव कि 200 पार का नारा जो बीजेपी लगा रही है वो नारा कांग्रेस पार्टी 200 पार करेगी इस बार। 200 पार करेगी कैसे, 15 सालों से तो वनवास पर है कांग्रेस, इसीलिए तो 15 साल की चुनाव जीतेगी। देखिए राहुल जी तो आपको छोड़ नहीं रहे, मंत्री आवास में बन रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गैस सिलेंडर देकर के महिलाओं को स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र। देखिए ये अपने काम गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि काम बोलता है, काम लेकर जाएंगे हम, गैस सिलेंडर से महिलाओं को फायदा, घर से फायदा है, फिर आप कैसे जीतेंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चालू करी उज्ज्वला योजना, इस योजना की शुरुआत ही झूठ से हुई है। आज जिन उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन दिया गया उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है, सारी नहीं मिल रही है, सब्सिडी नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेता के कहने हैं सबको झूठा है, खड़े हो जाइए भाई साहब, हुआ है विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 जिले में गन्ना फैक्ट्री घोषणा की, वो गन्ना फैक्ट्री कहाँ लगी है और गन्ना की शक्कर कहाँ बेची जा रही है वो भाजपा के लोग बताए। खड़े हो जाइए राफेल के मुद्दे पर, सीबीआई के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष घेर रहे हैं, बीजेपी को फायदा मिलेगा क्या चुनावों में? 100% फायदा मिलेगा। रेफेल घोटाले में यहाँ बैठे जितने लोग हैं और पूरे केंद्र सरकार में बैठे हुए सारे लोग रेफेल घोटाले में क्यों शांत बैठे हुए हैं? रेफेल घोटाले में दिल्ली से लेके बालाघाट फायदा मिलेगा, बालाघाट में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बालाघाट में मिलेगा, बालाघाट में मिलेगा। सर इधर क्यों, इधर आइए, इधर आइए, आपके लिए फायदा नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि पूरा फायदा उठाएगी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बीजेपी कारनामे कर रही है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी के इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनके पास नेतृत्व नहीं है, उनको बोलना नहीं आता है अच्छे से, बिल्कुल ये जितना भी झूठ फैला रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रदेश में बनेगी और देश में बनेगी और बालक देश में भी बनेगी, देश में भी बनेगी। जरा पीछे चलते हैं, जरा पीछे चलते हैं, उन लोगों की आवाज, उन लोगों की आवाज जो बहुत देर से खड़े हैं लेकिन आगे कुर्सी पर उनको जगह नहीं मिल पाई। बताइए आपकी बार किसकी सरकार? इस बार बोले 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 भारतीय, अरे भाषण देने के लिए मैंने आपकी बार भारतीय जनता पार्टी की 200 पार होके ऐसे बनेगी 200। हम सच्चाई से हमेशा जीत होते हैं और मैम ये बोल रहे हैं कि इनको फायदा मिलेगा राफेल का, इनको कैंडिडेट ही मिल रहा है बालाघाट में। बिल्कुल खराब स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की इस समय, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 200 पार होगा। व्यापक घोटाला होता है कि रक्षक ही भक्षक है, रक्षक भक्षक है क्या? मैडम एक बात बोली गई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी द्वारा कि बालाघाट जिले में सभी सड़कें बन गई है, रजगांव से लेकर के लाली तक के आप जाइए सड़कों का हाल पता चलेगा। आज मैं किसान का पुत्र हूँ, किसानों के लिए नहरों में पानी नहीं आ रहा है, आज बालाघाट जिले का सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है, वही भी आप यहाँ से कृषि मंत्री आते हैं और यहाँ पर किसानों का बुरा हाल है तो कैसे चलेगा? चावल के लिए एकदम फेमस, चावल की खुशबू देश भर में बिखेरता है बालाघाट, लेकिन यही कि किसान परेशान है। बताइए क्या है सर? मैं किसान आदमी हूँ, फसल बीमा आज तक कोई किसान को नहीं मिला और डीएपी पे 350 रुपए प्रति क्विंटल रेट बढ़ा दिया गया है, फटाखा फैक्ट्री 27 आदमी मर गया। यहाँ से कृषि मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं किसानों, किसानों को फायदा नहीं मिला। मैडम यहाँ किसानों की बात फायदा नहीं मिल रहा और मैं बताना चाहता हूँ, मिल रहा है नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, मैं बताना चाहता हूँ की ट्रामा सेंटर से मंत्री होता के द्वारा जो घोषणा की गई थी और ट्रामा सेंटर का वसूली सेंटर बन गया है। वसूली सेंटर, वसूली सेंटर बन गया है क्या यहाँ पर? मैडम अपने ऐसे कृषि मंत्री हैं पर मैडम इनने प्रदेश में भेदभाव करते ही करते बालाघाट जिले में भी इनने भेदभाव किया है। क्या भेदभाव किया? इनने लालबोरा क्षेत्र में बीमा का पैसा दिया है और 12 पंचायत। कृषि मंत्री की बेटी बैठी है हमारे साथ, कृषि मंत्री की बेटी बैठी है, ये बताया कि पिता के ऊपर इतने सारे आरोप लगे। देखिए मध्य प्रदेश
प्रदेश में जो 230 विधानसभा है उसके उसमें 313 विकास खंड है। आप जाकर देख लीजिए सर्वाधिक विकसित कोई विकास खंड है तो बालाघाट का लालदरा विकास खंड। ₹57 करोड़ फसल बीमा का बालाघाट जिले में बच चुका है। लोग कह रहे कुछ नहीं किया, मंत्री जी ने खाली अपना फायदा किया है, उनका कुछ नहीं। देखिए कांग्रेस का तो काम ही है, इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर मैं बात बालाघाट विधानसभा की करूं तो बालाघाट विधानसभा मध्य प्रदेश का अकेला विधानसभा है जहाँ पर हर घर में नल और जल का कनेक्शन है। नल और जल हर घर में मिलेगा, यहाँ पर फायदा मिल रहा है यहाँ की जनता को। यहाँ की जनता को फायदा मिल रहा है। मेरे कांग्रेस के भाइयों से और मेरी बहन हीना कावे जी से मेरा एक सवाल है कि आज जिस तरह से जीतू पटवारी जी का वीडियो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ट्रेंड किया, कांग्रेस गई तेल लेने, आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर? कांग्रेस गई तेल लेने, मेरा ख्याल रखिए कांग्रेस गई तेल लेने, मतलब अगर तेल लेने चल जाएगी कांग्रेस आप लोगों का क्या होगा? मुझे तो चिंता हो रही है भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से यदि कोई भी बीजेपी के पास कांग्रेस का विधायक यदि वोट मांगने जा रहा है और इस तरह की बातें यदि हो जा रही है, अपनी पार्टी को कोई कहता है इस तरफ से, खड़े हो जाइए भाई साहब, बताइए विकास हुआ आपके इलाके? मैडम मैं बोलना चाह रहा हूँ जो शिक्षा विभाग में जो चल रहा है बच्चों के साथ, सभी बच्चे जो 10वीं के हैं 12वीं के हैं इनको रुझानी में पूरा अनपढ़ करके छोड़ दिया है। शिक्षा में तो बालाघाट नंबर वन है ऐसा मैंने सुना है, तो ये बालाघाट को नंबर वन होने का दर्जा बीजेपी किस आधार पर देती? गलत बात है, कोई खंडहर नहीं है स्कूल, सारे स्कूल ठीक है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस बालाघाट जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी देने का किसी ने काम किया तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो क्या है सब खंडहर में तब्दील हो चुका है। वो उनको ये डोंगरिया यही है ना, 2 किलोमीटर नजर नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी, 2 किलोमीटर जाइएगा पैदल चल के। मुख्यमंत्री जी का जो विकास कार्य चल रहा है वो सब कुछ दिख रहा है। आप चौथी बार क्या नाम है आपका, नाम क्या है? शेख तुराब खान। आपको लग रहा है काम कर रहे हैं? काम कर रही सरकार बहुत, सबसे ज्यादा अगर काम सरकार ने किया है तो गरीब तबके के लिए किया है। 1 रुपए किलो राशन मिल रहा है, 200 रुपए में बिजली मिल रही है। थोड़ा महिलाओं की आवाज हो जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर 54% महिलाओं की आबादी जो वोट करती है, पुरुषों की आबादी महिलाओं की तुलना में कम है और लिंगानुपात में भी पूरे देश भर में बालाघाट का नंबर वन है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर महिलाओं का बोलबाला है, वर्चस्व है। महिलाओं की क्या है आवाज? महिलाओं की आवाज ये है कि बालाघाट बिल्कुल रोड के मामले में सुरक्षित नहीं है। परसों ही एक घटना हुई है, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल कॉलेज कोचिंग भेजते हैं यहाँ के बाईपास रोड, जबकि बालाघाट जिला अंतर राज्यीय मार्गों से जुड़ा है परंतु कहीं के भी रोड का हाल ठिकाने का नहीं है। रोड का हाल बुरा है, आपको भी लगता है रोड का हाल? हाँ, रोड का हाल बहुत खराब है और ज्ञापन में 51 लोग अभी तक मौत के मौज, फिर भी बीजेपी का समर्थन करते हमें तो आश्चर्य लगता है। व्यापम व्यापम है।